छतरपुर में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक साल पहले उसने मेडिकल दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके मेडिकल लाइसेंस के एवज में उससे 40,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की जा रही है। वहीं कलेक्टर ने मामले में जांच की बात कही है। छतरपुर में जनसुनवाई के दौरान अरविंद उपाध्याय ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि उसने एक साल पहले मेडिकल दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इस आवेदन में मांगे गए सभी दस्तावेज उसने जमा किए थे, लेकिन अभी तक ड्रग इंस्पेक्टर ने उसे लाइसेंस नहीं दिया। और इसे लेकर जब पीड़ित अरविंद ने ड्रग इंस्पेक्टर लखन पटेल से बात की, तो ड्रग इंस्पेक्टर ने लाइसेंस देने के लिए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इतना ही नहीं, जब अरविंद ने रिश्वत देने से मना किया, तब ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि उसे अधिकारियों और पत्रकारों को रुपए देने पड़ते हैं, और जब वह पैसे लेगा तभी तो देगा, इसलिए 40,000 लाओ और लाइसेंस ले जाओ। वहीं जब ड्रग इंस्पेक्टर पर लगे आरोपों पर उनसे बात की गई, तो वे गोलमोल जवाब देते हुए मीडिया से ही उलझ गए और अपनी लग्जरी गाड़ी से भाग निकले। वहीं कलेक्टर ने पीड़ित की शिकायत पर जांच करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है, जांच में रिश्वत लेने की बात पता चलने पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अरविंद उपाध्याय है। मैंने 15 जुलाई 2022 लगभग 7 महीने पहले अपने मेडिकल स्टोर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। ऑफलाइन भी 2 बार फाइल दे चुके, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर महोदय का स्पष्ट बोलना है कि उस सिस्टम में हमें ऊपर पैसा देने पड़ते हैं, इसलिए आपको बिना पैसे के नहीं मिलेगा। 40,000 रुपए की डिमांड की गई है कि आप 40,000 दो, 40,000 दो, हम 2 दिन में आपको लाइसेंस देंगे। का जो देवी दीनदयाल जी की जो एप्लीकेशन है, उसमें जो है हमने ऑनलाइन चेक किया, सीएमएचओ साहब ने चेक किया, कलेक्टर साहब ने चेक किया, सीएस साहब ने चेक किया, सब ने चेक किया। इनका जो आवेदन है 15 अगस्त को रिटर्न कर दिया गया था। 15 अगस्त इनने आज तक फाइल जो है रिटर्न हमारे विभाग के लिए जमा नहीं की। जब तक ये फाइल जमा नहीं रिटर्न करेंगे, उसको हम कैसे फाइल करेंगे? जिस दिन ये जिस दिन ये कर देंगे, उस दिन इनकी फाइल कर दी जाएगी। नहीं, ऐसा कोई भी, मेरा सभी को ये क्लियरली एक ये है कि कहीं पर भी कोई ऐसा पर्टिकुलर डिमांड्स ऐसा कोई हो तो उसको शासन के संज्ञान में लाए ऐसे, और बिल्कुल कोई ऐसा डिमांड्स में ये नहीं करे और नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करे और उसमें कार्रवाई होगी और ऐसे चेक किया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।